मैंने मार्च 2014 में उषा गुर्गल का वीडियो बनाया था जिसमें उषा का पति HIV पॉजिटिव था और वो गुजर गया। उसके बाद पता चला कि उषा और उसकी 2 साल की छोटी बच्ची भी HIV पॉजिटिव है। आप देखोगे तो कैसे आदमी गलती करके चला जाता है और उसकी शिकार 2 औरतों को मिलती है। उषा की जिंदगी के साथ भी ऐसा हुआ, उसके आदमी ने गलती की और वो मर गया और उसके कारण उसकी लड़की की और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी भी समाज आदमी को कुछ नहीं बोलता और महिला को ही इस सब का शिकार मानता है। आता मी एकटीच राहिले, आता एकटी सगळा बोझ आला। आता मला मदत म्हणजे मला काहीतरी व्यवसाय पाहिजे आणि मुलीचं शिक्षणासाठी काय मदत झाली तर। मॅडमने मला गोळ्या चालू केल्या, गोळ्या मला मोफत मिळते त्या। त्याच्यानंतर ही मुलगी माझ्या पोटात होती, ही डिलिव्हरी पण मोफतच झाली माझी। आणि एक मुलीला खाण्यासाठी खाद्य खायला पण मिळतं, शेंगदाणे, गूळ, खारीक, खोबरं हे सगळं मिळतं। आणि कोंबड्या घेतल्यात तर कोंबड्यापासून मला रोज माझी 5 अंडी जात होती, 5 अंड्याचं मला 50 रुपये रोज मिळतात। मग आता सासू सासरे कसे वागतात? आता व्यवस्थित आहेत माझे सासू सासरे, सगळी चांगली आहे। आता माझ्या स्वतःच्या पाया उभी राहिल्यासारखी मला वाटायला ताईनी आणि कुंभारकर ताईनी माझे खूप खूप यांचे आभार आहेत। मला ह्यांनी मला स्वतः जगायला शिकवलं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे समुदाय की एक महिला है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है और अपने अभी 2 बच्चों के साथ वो अपने सास ससुर को भी संभाल रही है और खेती में काम करती है, खुद का बिजनेस कर रही है। लेकिन एक टेंशन भी है कि उसकी जो छोटी बच्ची है उसका अभी रिजल्ट समझा नहीं है कि उसका रिपोर्ट क्या आएगा। वो जब 2 साल की होगी तब डॉक्टर बोले है कि उसका रिपोर्ट देते हैं। तो मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगी कि आप सभी ने मेरी ये सहायता की। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के कर्नलवाड़ी गांव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।